10 वर्ष का कठोर कारावास मिला। अगस्त 1935 में लखनऊ सेंट्रल जेल से रिहा हुए। जेल से छूटकर शेष बंदी साथियों की रिहाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज चर्चा में बात होगी उन तस्वीरों की जो कोलकाता में खींची गई हैं, लेकिन उनका सियासी कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता गए थे राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। कोलकाता में बैठकर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव की रणनीति बनाई। वहां पर ममता बनर्जी से मिले, मंदिर मंदिर गए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के विवाद को तो अखिलेश यादव हवा देते हैं, फिर कोलकाता में उन्हें मंदिर मंदिर क्यों जाना पड़ा? इन तस्वीरों से अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या चुनावी मुनाफा चाहते हैं, आज इसी पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शुरू हुई 2024 की लड़ाई, अखिलेश को मंदिर की याद आई। यूपी में करेंगे रामचरित मानस पर विवाद। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो मुझे बताओ? और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चुके हुए लोग हैं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। केवल सामाजिक वैमनस्यता फैला करके वो अखबार में आना चाहते हैं। जनता उनके असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है। कोलकाता में लेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रसार। अखिलेश के मंदिरों का सफर है ओबीसी वोटों पर नजर। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी। कांग्रेस से किनारा, अब छोटे दलों का लेंगे सहारा। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। बीजेपी के विकास का असर, अखिलेश की सॉफ्ट हिंदुत्व पर नजर। जाति जनगणना का बहाना, ओबीसी वोटरों पर है निशाना। बीजेपी का विकास, अखिलेश को सिर्फ जाति से आस। 2024 में अखिलेश के तीन निशान, ओबीसी, मानस और भगवान। तो तीन निशान, ओबीसी, मानस और भगवान। हमारे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आलोक वर्मा जी, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, और आप जो है सपा प्रवक्ता हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास, वैसे तो आप इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, उससे क्या ये समझा जाए कि सपा भी अब बीजेपी की पिच पर आकर खेल रही है? दीप्ति जी, समाजवादी पार्टी का गठन जब 5 नवंबर 1992 को जी लखनऊ के बेजम आजाद मल पार्क में हुआ था जी, तो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया कि समाज के शोषित, वंचित, दबे कुचले, पिछड़े वर्गों की जी रक्षा करेंगे,
उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और जब पार्टी के गठन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो पहली बैठक हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, और ये कलकत्ता में जो छठवीं हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है ये बहुत ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम देने वाली बैठक हुई है। जी। आपने जो विषय रखा है इस विषय पर थोड़ी सी मुझे आपत्ति है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के लोग धर्मों में आस्था रखते हैं, जातियों में आस्था रखते हैं, मजहबों में रखते हैं, पंथों में रखते हैं, लेकिन हम इसके लिए ऊंट का आधार नहीं बनाते हैं। नहीं नहीं इसके हम बिल्कुल धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन चुनाव करीब आते ही क्यों ये आस्था जो है वो बढ़ जाती है, आपको यही तो सवाल है। दीप्ति जी, डीडी न्यूज एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और इस चैनल को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मथुरा में उन्होंने इस्कॉन मंदिर के उन्होंने शिलान्यास किया था, और इस्कॉन मंदिर का जो शिलान्यास किया था इस्कॉन मंदिर बन रहा है आज के समय में। मथुरा में जो इस्कॉन मंदिर है वो हमारे राष्ट्रीय जी मुख्यमंत्री काल के समय का ही निर्मित किया गया वो मंदिर है, और कलकत्ता में जब वो इस्कॉन मंदिर गए हैं मां काली का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो इसमें हम लोग वोट की सियासत नहीं करते, ये हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है। जब भी हम किसी शहर में जाते हैं तो वहां पर मंदिर जो हमारे आस्था के केंद्र होते हैं वहां पर जाकर के पूजन पाठन करते हैं, और हम अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगते हैं, सबके लिए आशीर्वाद मांगते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी पंथ के लोग हो। हम अपने देवी देवताओं से आग्रह करते हैं कि प्रभु आशीर्वाद बना के रखिएगा, सृष्टि पर जितने भी जीव हैं सबका भला करिएगा। बिल्कुल, मैं आप पर वापस आऊंगी, सबका भला करिएगा, लेकिन 2024 से पहले ही क्यों ये बातें याद आती हैं? आलोक जी आपके पास आऊंगी, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करने के लिए सपा जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए दीप्ति जी, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जी जो डिजर्व तो नहीं करते लेकिन डिजायर करते हैं। अखिलेश यादव जी की राजनीति उठा करके देख लीजिए, 2012 का जो इलेक्शन था, जो चुनाव था, जो जीत थी जी, वो माननीय मुलायम सिंह की जीत थी। उसके बाद भी जो भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें समाजवादी पार्टी का क्या हासिल हुआ आप अच्छी तरीके से जानती हैं, समझती हैं। 2017 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना करके चुनाव में उतरे थे जी। क्या हासिल हुआ आप अच्छी तरीके से जानती हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, एक को 10 सीटें मिली, एक को 5 सीटें मिली, कुल मिला के 80 सीटें थी जी। उसके बाद का भी जो इलेक्शन हुआ, चाहे 2019 का हो, 2022 का इलेक्शन हुआ, 2022 के इलेक्शन में क्या कह रहे थे कि बड़ी पार्टियों के साथ हमें रास्ता नहीं मिलता, छोटी पार्टियों के साथ जाएंगे तो कुछ रास्ता निकल के आएगा। नतीजा क्या निकला, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब 2024 का सपना पाले बैठे उत्तर प्रदेश में, सब कुछ देख लिया, सबके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, चाहे छोटी पार्टियां हो, मझली पार्टियां हो, बड़ी पार्टियां हो, किसी को इन पर भरोसा नहीं, कोई इन पर भरोसा नहीं करता, ये किसी पर भरोसा नहीं करते। अब ये निकल के नगरी नगरी द्वारे द्वारे जा रहे हैं, कभी साउथ इंडिया जा रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, अभी पता नहीं कहां कहां चक्कर लगाएंगे, कहां कहां जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से इनका चेहरा जानते हैं। जिस समय इनका इनको मौका मिला था, 5 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? उत्तर प्रदेश को भाई भतीजावाद की सियासत मिली, जाति धर्म में बंटवारे की राजनीति मिली, और जो आम आदमी था उसे क्या मिला? कहीं गुंडे राज करते थे, कहीं बदमाश थे, कहीं कोई कोई एक इलाका थामता था, कोई दूसरा इलाका संभालता था। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं, 2017 के पहले उनका समय खत्म हो गया, आने वाला समय अब उनके उनके पास आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने जा रहे हैं, और मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ खड़ा है। 2024 में जब इलेक्शन होगा आप देखिएगा, जो एक बार फिर से समीकरण बना रहे हैं ना, बंटवारे की समीकरण बना रहे हैं, भाई भतीजावाद की समीकरण बना रहे हैं, जाति जमात की समीकरण बना रहे हैं, धर्म में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता निकल के नहीं आएगा। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी में यादव वोटरों का जो गणित है वो क्या है, यूपी में यादव वोटरों का गणित। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2017 में 10% वोट मिले और 2022 में वो जो है बढ़कर 12% हो गया। इसी तरह सपा को 2017 में 68% वोट मिले, जो 2022 में
83% हो गया। इसी तरह बीएसपी को 2017 में 2% और 2022 में भी 2% वोट मिले। यूपी में यादव वोटरों का जो गणित है उसे समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, आप पर वापस आऊंगी। सपा हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कहीं ये जो सब कुछ हो रहा है ये उसकी भरपाई तो नहीं की जा रही है? दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी की और तथा कथित जो समाज का कुछ बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जो अपने आप को कहता है कि हम बहुत राजनीति के निपुण और माहिर हैं, वो इस विषय से आगे निकल ही नहीं पा रहा है जी। आज देश क्या चाहता है उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। देश का युवा आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है कि सरकार, आपने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप हमें नौकरी दे दीजिए। केंद्र की जो अधीन आने वाले सरकारी महकमे हैं, उन महकमों में 1,20,00,000 सरकारी विभागों में पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश और देश का युवा कह रहा है कि हमको नौकरी हुजूर दे दीजिए। केंद्र सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है वो नौकरी नहीं दे पा रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आप कानून व्यवस्था की बहुत बातें करते हैं और कहते हैं कि हम बुलडोजर की नीति लाकर के हमने उत्तर प्रदेश और देश को बचाने का काम किया है, तो हम एक ही बात सिर्फ कहते हैं। अभी हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा है कि बाबा, आपकी बुलडोजर नीति अगर बहुत सफल है और अपराधियों पर लगाम कस रही है, नकेल कस रही है, तो सिर्फ इतना कह दीजिए कि हम 100 अपराधियों की, जो मोस्ट वांटेड अपराधी है उत्तर प्रदेश के, उनके 100 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए। हमने ये मांग किया, आप हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है दीप्ति जी, आर्थिक अपराध सोचिए कि कितना उत्तर प्रदेश और देश में बड़ा है। नीरव मोदी देश छोड़कर के भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, आप ललित मोदी भाग गए, ऐसे बहुत अनगिनत 800 प्रतिदिन। मनीष जी, आप सुनिए, आप रोकना चाहूंगी, लेकिन अपराध की बात तो आप भी नहीं कर रहे, कानून व्यवस्था की बात तो आप भी नहीं कर रहे। दीप्ति जी, आप भी सेम पिच पर आकर ही और सेम गेम खेल रहे हैं। आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगी कि यूपी में जो कुर्मी वोटर है उनका जो रुख है वो क्या रहा है। यूपी में कुर्मी वोटर का रुख, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2017 में 63% वोट मिले, 2022 में वो बढ़कर 66% हो गया। सपा को 2017 में 16% वोट मिले और 2022 में ये 25% हो गया। किस तरह से जो वोटरों का रुख है वो बदला। बीएसपी को 2017 में 7% वोट मिले और 2022 में ये जो प्रतिशत है ये घटकर 3% हो गया। आलोक जी, आपके पास वापस आऊंगी। मनीष जी कह रहे हैं आपने हमारी बात ही नहीं सुना दीप्ति जी, बिल्कुल मनीष जी, मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल मनीष जी, आपको मौका दिया जाएगा। आलोक जी, आपके पास वापस आऊंगी। और मनीष जी कह रहे हैं कि कानून की बात नहीं हो रही, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी बात नहीं हो रही और धर्म की बात हो रही, क्या कुछ कहेंगे आप? दीप्ति जी, मनीष जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, उनका धर्म है कुछ बोले, उन्हें कुछ अच्छी चीजें दिखती नहीं। इक्का दुक्का कुछ चीजें जो उन्होंने हमको, उनको प्रयागराज दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा है प्रयागराज। प्रयागराज की घटना, जो लोग प्रयागराज के पीछे है, जो चेहरे उसके पीछे है, अखिलेश यादव जी के साथ, आपने सवाल किया है उसका जवाब ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बार बार बताया है कि उत्तर प्रदेश किसके साथ खड़ा है, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2017 का हो, 19 का हो, 22 का हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे संसदीय इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश बुलंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है साहब? इसलिए खड़ा है क्योंकि परिवर्तन जिस तरीके का उत्तर प्रदेश को चाहिए था, चाहे वो आम आदमी के रोजगार की बात हो,
चाहे किसानों के तरक्की की बात हो, चाहे सड़कों के विकास की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन जिस तरीके से हम घर घर जल पहुंचा रहे हैं उसकी बात हो, जाति जमात की राजनीति ना करने की बात हो, बंटवारे की जो राजनीति सियासत करते थे उसकी बात हो, आज जो आप माफियागिरी की बात कर रहे हैं ना, माफियाओं की जो आप बात कर रहे हैं, आपके समय था साहब 2017 के पहले किस तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान, लखनऊ का सत्ता प्रतिष्ठान, ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे पता नहीं कितने माफिया थे, अलग अलग इलाकों में थे, उनको सपोर्ट करता था, क्या करते थे ये लोग, जो वहां से वसूली का पैसा आता था कहां पर जाता था। आज जितने भी माफिया उत्तर प्रदेश में हैं जेलों के अंदर हैं, और जेल में जब वहां से उनको लाने की कोशिश भी की जाती है तो बड़ी दहशत में रहते हैं कि मुझको ऐसे ना किया जाए, मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते साहब? अदालत आपको लेके आ रही है, आप डरे सहमे हैं, क्यों? क्योंकि आज योगी जी का शासन है, और किसी ने अगर अपराध कर भी दिया, गुनाह कर भी दिया, तो उसको सजा मिलेगी, वो अच्छी तरीके से जानता है। और आज इसी तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सालों में, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में देश दुनिया के कारोबारी यहां आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने माननीय योगी जी ने जब 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें पता था कि हमें एक हाथ में शूल रखना होगा और दूसरे हाथ में फूल रखना होगा। हमने विकास के काम भी किए आलोक जी, और साथ उन अपराधियों के खिलाफ भी काम किया। मनीष जी को मौका दूंगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी मनीष जी? दीप्ति जी, बहुत शुभकामना मैं आपको देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का जो कीमती समय है उसमें से थोड़ा समय मुझे भी आपने दिया है। मनीष जी, आपको भी समय दिया जा रहा है। दीप्ति जी, हिटलर शाही जो भारतीय जनता पार्टी के शासन करने की पद्धति है उसकी कुछ बानगी मैं आपके टेलीविजन पे रखना चाहता हूँ। कल ही हापुड़ के एक एसपी हैं अभिषेक वर्मा जी, उनके परिवार को एक बरेली से एक युवक सक्सेना फोन किया और कहा कि अगर 10 लाख रुपए की आप फिरौती नहीं देते हैं तो आपके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। कल के अखबारों में, पूरे अखबारों में यह खबर छपी है, आपने भी देखा होगा। आप उसका जिक्र नहीं करिएगा इसलिए कि आपको बताना है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर है। आप सोचिए कि एक हापुड़ के एसपी को एक अपराधी फोन करके सीधे उनसे फिरौती मांगता है, यह उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था? पहली बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक माड़ीलाल पाटीदार थे महोबा के एसपी, याद होगा आपको, 2 साल सुन लीजिए, आपने नहीं, अब सवाल आप पर भी खड़ा होगा, आप एक बेहतरीन एंकर है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इन्होंने जो कानून व्यवस्था का स्वर्णिम काल गिनाया है उसकी कुछ बानगी मैं पेश कर रहा हूं। माड़ीलाल एक पाटीदार थे, एसपी थे, बहुत उनका रसूख था, महोबा के एसपी थे, उन्होंने व्यापारी को धमका करके पैसा मांगा, मुकदमा दर्ज, सुन लीजिए, मुकदमा दर्ज हुआ और 2 साल तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब आप सोचिए ना, एक विनय पाठक है, विश्वविद्यालय के कुलपति है, सुन लीजिए, मैं नाम लेके एक आदमी का गिना रहा हूं, आज तक सीबीआई का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस सीबीआई और एसटीएफ उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, किसका हाथ है उनके ऊपर, विनय पाठक के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं। और रहा सवाल, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के शासन काल का, अरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जब सत्ता का नेतृत्व तो करने लगते हैं, योगी आदित्यनाथ जी 17 मुकदमे उनके ऊपर आपराधिक दर्ज थे, सुन लीजिए, और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दर्ज थे, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दर्ज थे, किस बात का मुकदमा दर्ज था, किस बात का मुकदमा दर्ज कहने के लिए, मनीष बाबू के पास कहने के लिए जब कुछ भी अंटसंट बोलना शुरू कर देते, सही कह रहे हैं, अरे ये तो अनसंट है, ये तो अनसंट है, आप अपना इतिहास देखिए, जिसका नेतृत्व इतना चलंकित हो, जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, जो मुख्यमंत्री मनीष जी, आलोक जी की बात सुने, आपको मौका दिया गया, आलोक जी बताए, मनीष बाबू अंतर क्या है बताइए, आज के शासन में और आपके शासन में क्या, बताइए, अब सुन लीजिए, बताने जाने बता ही रहा हूँ, बताइए, आपके समय में जो ऊपर बैठे लोग रहते थे, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर के लोग थे वो सपोर्ट करते थे, मथुरा कांड हुआ था ना, जमीन के लिए हुआ था ना, जवाहर बाग कांड हुआ था, कुछ लोग मरे थे, और कौन लोग थे बताइए, कुछ दो चाचा थे कि नहीं थे, नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश जानता है। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो कौन लोग थाने में फोन कर रहे थे, आजम खान का नाम उसमें आया था कि नहीं था, आजम खान कौन थे, कौन थे, अरे कौन थे, आपकी पिछली सरकार में पिछली सरकार में किया जाता था कि नहीं किया जाता था,
आपके समय में और आज के समय में यही अंतर है। हाँ, यही अंतर हमारे इसलिए सपोर्ट नहीं करते। आपके समय में सपोर्ट किया जाता था, आपका समय यही था जी। हमारे पास समय की कमी है, हम मुद्दे पर आते हैं क्योंकि ये बहस खत्म नहीं होगी। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को कि मौर्य कुशवाहा सैनी वोटर्स की क्या स्थिति है यूपी विधानसभा चुनाव में। 2017 में बीजेपी को 56% वोट मिला और ये 2022 में बढ़कर 54% हो गया, 64% हो गया। सपा को 2017 में 18% जो वोट मिला और ये 2022 में बढ़कर 22% हो गया। वहीं बीएसपी को 2017 में 22% जो है वोट मिला और 2022 में ये घटकर सीधा 4% हो गया। तो किस तरह से जो समीकरण है यूपी विधानसभा चुनाव में वो बदले हैं, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आलोक जी, आप पर वापस आएंगे। जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तभी सबको धर्म की याद आती है और इस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती हैं? देखिए, 2017 से पहले यूपी में हम 15 सालों तक सत्ता में नहीं थे जी। दूसरी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, बसपा के साथ ही थे। क्यों थे? इसलिए क्योंकि उस समय जाति और धर्म के बंटवारे की सियासत आगे बढ़ाई गई थी जी। लेकिन जब सत्ता उनको मिली तो कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से तो वोट बैंक का साथ दिया। जैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता था माई, मुस्लिम और यादव हमारे साथ हैं, बाकी बाकी साथ जुड़ जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता गेम भी कर लेते थे, बाकी जातियों को जो है किनारे कर देते थे। कुछ लोग उसकी मलाई काटते थे, बाकी परिवार के जो लोग थे वो मलाई काटते थे। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने 15 साल तक इनको सत्ता थमा करके बहुत गौर से देखा कि उनको मिला क्या, जो तरक्की की उनकी अभिलाषा थी, जो आगे बढ़ने की उनकी चाहत थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। और पिछले 2014 के बाद से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है तो इसलिए जीत रही है कि आज सभी जातियां, सभी धर्म के लोग, हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, किसी भी जात के लोग हों, यहां तक कि जिनको ये अपना वोट बैंक कहते थे वो भी हमारे साथ खड़े हैं। आजमगढ़ में अगर ये हारे हैं तो किस लिए हारे हैं? इनका तो यम और वाई समीकरण वहां बहुत शानदार था ना। रामपुर में आप हारे हैं तो किस लिए हारे हैं? आपके भाई और चाचाओं की बहुत सारी सीटों पर हम जीते हैं, जहां आप समीकरण गढ़ बना करके आप बैठे हुए थे वहां पर भी हम जीते। इसलिए जीते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जब बात करती है तो केवल बात नहीं करती, सबके साथ जुड़ाव भी करती है, सबके साथ जुड़ती भी है और सब सब ये मानकर चलते हैं और महसूस भी करते हैं कि उनको सत्ता में आने का लाभ मिल रहा है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो उनके जीवन का स्तर सुधर रहा है, गांव का स्तर सुधर रहा है, शहरों में जिस तरीके की अभिलाषाएं लोगों को हैं, जिस तरीके से कारोबार बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए लोगों को, आज आप पूर्वांचल जाइए एक्सप्रेसवे के सहारे आप बड़े आराम से जा सकते हैं। 7-6 साल पहले तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे ना जी। आप लखनऊ से और बड़े शहरों के बीच में तो कनेक्टिविटी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो बुंदेलखंड के लोग थे वहां आप लूटते थे, केवल आप लूटने का काम करते थे। वहां जो खनन होता था, गायत्री प्रजापत मंत्री सदन में बैठ करके खनन मंत्री थे, लूटते थे पूरे इलाके को। आज बुंदेलखंड का व्यक्ति जो है लखनऊ भी आ सकता है और दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है और यहां से भी जो कारोबारी है वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहां का जो मैन पावर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके से जो व्यापक परिवर्तन आया है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे दूसरे तरीके की जो जरूरतें थी, जो बिजली की जरूरतें थी, लगातार बिजली, पहले 4-5 जिले हुआ करते थे उनका क्या रुख जो है वो रहा है यूपी विधानसभा चुनाव में। बीजेपी का 62% 2017 में, 2022 में ये 66% हो गया है। इसी तरह सपा का जो है वो 15% रहा है 2017 में और 2022 में ये 23% हो गया है। यूपी में जो अन्य ओबीसी वोटर है उनके रुख की हम बात करें, बीएसपी में ये 11% 2017 में और 2022 में जो है ये मात्र 4% रह गया। किस तरह से जो ये समीकरण है ये बदले हैं इसे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। मनीष जी, आप पर आऊंगी। जो ये धर्म की बातें हो रही हैं और जो कुछ भी अभी हाल ही में हम देख रहे हैं, कहीं
ये इस बात का डर तो नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूपी में जो ओबीसी का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है, तो उस ओबीसी को अपनी ओर लेने के लिए उसे एक वोट बैंक की तरह देखते हुए क्या ये उसी के लिए एक अगला पड़ाव नहीं है? दीप्ति जी, जी आपका जो ग्राफिक्स चल रहा है, चौथा ग्राफिक्स हमने देखा है जी, समाज अभी आलोक जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जातियों का राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी धर्म तुष्टिकरण की राजनीति करती, इस तरह की बातें अभी आलोक जी कह रहे थे जी। आपका चारों ग्राफिक्स जो है जाति आधारित ग्राफिक्स आपने दिखाया है जी। समाजवादी पार्टी का सदैव से ये मानना रहा है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हर के भजे से हर के होई, हम प्रत्येक मानव में दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित व्यक्तियों में हमने भगवान का स्वरूप देखा है, और समाजवादी पार्टी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदेव श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्येक मानव का जात बिना पूछे धर्म बिना पूछे उन्होंने सबकी मदद किया है, और 12 से 17 तक का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें जब आप देखेंगी हिंदुस्तान में दुनिया में किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी सरकार ने कभी छात्रों को गरीब बच्चों को लैपटॉप और आधुनिक उपकरण, आपको यहाँ पर रोकूंगी, अब आप ही बोलिए, नहीं मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप जो कह रहे हैं हमने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है, जब आप थे सत्ता पक्ष में, जब आप सत्ता में थे तो आपने कभी क्यों नहीं निकाय चुनावों में ओबीसी जिसकी बात हो रही है जनगणना की, इसकी इस मुद्दे को लेकर आप सामने आए, आज आप विपक्ष में है तो क्यों ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इसको जो निकाय चुनाव से पहले ओबीसी जनगणना की जाए, किस बात का डर है, और जब आप थे सत्ता में तो क्यों नहीं इस मुद्दे को आपने उठाया? बहुत अच्छा सवाल दीप्ति जी आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब यह काम किया निकाय के चुनाव में तो कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर झन्नाटेदार तमाचा मारा, और उन्होंने न्यायालय में कहा कि जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से आप चुनाव कराइए, यह चुनाव न्यायालय के आदेश पे दीप्ति जी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही, एक बात। और दूसरी जो बात आप कह रही हैं जातियों की राजनीति की जो बात हो रही है, जब 12 से 17 तक श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जब लैपटॉप का उन्होंने वितरण किया तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, कौन यादव है, कौन कुर्मी है, कौन पटेल है, कौन दलित वर्ग से है, कौन धोबी वर्ग से, ये श्री अखिलेश यादव ने नहीं पूछा। श्री अखिलेश यादव जी ने जिस पद्धति का निर्माण किया, शासन करने की जो पद्धति उनकी रही, उस पद्धति को आप जब एनालिसिस करेंगे और देखेंगी, खैर आप देखेंगे नहीं लेकिन मैं ये कोशिश कह रहा हूँ कि एक बार उसकी एनालिसिस आप करिएगा तो आपको महसूस होगा, एक बार एनालिसिस करिएगा तो आपको महसूस होगा कि श्री अखिलेश यादव जी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो लिबरल लीडर है, वो अहंकारी नेता नहीं है, दम्भी नेता नहीं है, और उनके ऊपर जो लांछन जितना भी जिसको लगाना लगा ले, लेकिन मैं एक बात आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी 36% वोट 2022 में भारतीय जनता पार्टी की दम्भी नेतृत्व के सामने 36% मत हासिल किया और 2,59,00,000 वोट हासिल, 2,96,00,000 वोट समय की कमी है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और आपकी ही बात से खत्म करना चाहूंगी कि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आप बिना जनगणना के भी आप चुनाव करा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके भाजपा ने जो जनगणना भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जातियां नाराज हो जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि जातियां नाराज हो जाएंगी जी, बिल्कुल समय की कमी है, आलोक जी मनीष जी आप दोनों का धन्यवाद, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो धर्म की राजनीति है इसको लेकर किस पार्टी को क्या फायदा होने वाला है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।